आज मैं आपके सामने रथ यात्रा के लिए एक स्पेशल औभड़ा वीडियो का रेसिपी लेके आई हूँ पूरी श्री मंदिर में जो प्रसाद बनता है जो प्रसाद चढ़ाया जाता है छप्पन भोग का प्रसाद उसको औभड़ा बोलते हैं तो वही उसी का ही मैं यहाँ पे सात आठ आइटम्स लेके आई हूँ और कुछ वीडियोस मैं पहले से डाल चुकी हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी और कुछ मैं इस वीडियो में पूरा पुर, तरीक़ा से बताई हूँ तो अगर आपको वो वीडियो को देखना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप देख सकते हैं बस मेरा एक छोटा सा कोशिश है आपके सामने ये प्रेजेंट करने के लिए ज़रूर देखिएगा ये वीडियो पूरी श्री मंदिर का औभरा स्टाइल थाली नमस्कार मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पहले हम बेसरा बनाएंगे इसका पूरा फुल डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बस इसमें जो थाली बना रही थी तो मैं आपको इसको बहुत छोटे से स्टाइल में दिखाऊंगी तो बेसिकली मिक्स वेजिटेबल होता है सरसों का पेस्ट में तो सरसों और जीरा को मैंने भिगो के सिलवट्टे पे पीस लूँगी जैस जिस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ ना सारे वीडियोस में मैं वो तरीका यूज़ की हूँ जो नॉर्मली मंदिर में होता है सिल पे पीसना मिट्टी के बर्तन में बनाना और बिना करछुल लगाए उसको पकाना और ढकना नहीं ये सब तरीका मंदिर में यूज़ होता है मैं कोशिश की हूँ जितना हो सके उतना ऑथेंटिक बनाने के लिए तो मैंने यूज़ किया है नहीं हो तो हम घर में नॉर्मल इसको ग्राइंडर में पीस कर भी मसाला रेडी कर सकते हैं तो ये मसाला मैं रेडी हो गया सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने बोला वो उस वीडियो में है आप उसमें चाहे तो देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के एक गिलास के आसपास थोड़ा हल्दी डाल देंगे और जो मसाला हम पीसते हैं ना उसको ऐसे डाल के इस तरह से साइड से मैं हिला दूँगी क्योंकि मैं इसमें चम्मच नहीं लगा रही हूँ और उसके बाद इसको बनाने के लिए एक मिट्टी के पात्र में दो से तीन चम्मच घी डालूंगी और जब गर्म हो जाएगा तो उसमें ना वो जो घोल बनाए थे हम सरसों जीरा वाला वो डाल देंगे एक उबाल आ जाएगा उसके बाद सारे सब्जियाँ डाल देंगे सब्जियाँ का क्वांटिटी और क्या सब्जियाँ हैं ये सब मैं उस वीडियो में बताई हूँ बेसिकली लोकल सब्ज़ियाँ हैं बैंगन आलू गोभी टमाटर ये सब नहीं डालता मंदिर के खाने में क्योंकि जो मंदिर का परंपरा है वो बहुत प्राचीन है तो जो लोकल सब्जियाँ मिलती थी ना वहाँ पर तो वही यूज़ होता है नमक डाल के इस तरह से साइड से थोड़ा सा पकड़ के हिला लूँगी और उसके बाद इसको मैं खुला आँच पे लगभग दस मिनट पकाऊँगी आप देखेंगे ना सब्जियाँ थोड़ा दब जाएगा जैसे मैंने बोला मंदिर का यही प्रथा है ये ढकता नहीं है ना ही इसमें घुलता है दस मिनट बाद इसमें थोड़ा रहता हुआ फ्रेश नारियल ताज़ा नारियल थोड़ा सा गुड़ और इसको डाल के जो वड़ी मिलता है ना उड़द दाल का एक स्पेशल टाइप का लंबा वाला वड़ी मिलता है नाड़ी वड़ी वो डाल देंगे ना हो तो नॉर्मल वाला उड़द दाल का वड़ी को थोड़ा सा घी में तल के डाल सकते हैं अब इसको फिर मिक्स कर लेंगे मिक्स करके और 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा और सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दूंगी ना उस वीडियो में सब चीज़ रहेगा क्वांटिटी और एक बहुत एलबरेट वीडियो बनाई हूँ आप उसमें देख सकते हो क्योंकि थाली है बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसको छोटा करके आपको बता रही हूँ तो जब इस तरह से बन जाए लगभग 20-25 मिनट बाद गैस ऑफ़ कर देंगे जीरा और सरसों थोड़ा डाल देंगे और घी गरम करके इस तरह से तड़का डालेंगे अलग से तड़का मैं इसको नहीं डलता है ऐसा ही डलता है जब बन जाए मैं बस इसको ढक दी हूँ बस दिखाना था आपको इस वजह से ढकने के बाद आधा घंटा इसको छोड़ दें और आधा घंटा बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अभी जो है ना बहुत गर्म है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाए थे तो ये हीट रिटेन करता है और जैसे ही मैं घोल रही हूँ देखिए इसमें कितना भाप निकल रहा है लटपट टाइप का बनता है बहुत ही यूनिक फ्लेवर रहता है छप्पन भोग में से एक भोग बेसरा फिर हम लोग बनाएंगे मीठा दाल पूरी मंदिर का स्पेशलिटी होता है मीठा दाल बहुत गाढ़ा टाइप का होता है तो ये जो रेसिपी है मैं पूरा बताऊंगी तो यहाँ पे देखिए तूर दाल में ले ली हूँ जो नॉर्मल अरहर दाल होता है वो लगभग एक कप या अढ़ाई सौ ग्राम दाल का क्वांटिटी कम ना करें भले ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि गाढ़ा बनता है धो के एक मिट्टी के बर्तन में डाल दी हूँ और पानी इसमें देंगे इतना कि दाल के बस दो इंच ऊपर रहें या चार उंगली रहें तो खुला आंच पे इसको उबलने देंगे जब एक उबाल आ जाएगा इस तरह से देखिए इसमें हम हल्दी डालेंगे एकदम कम मतलब आधी छोटी चम्मच और नमक एक बड़ा चम्मच डाल के जैसे आपको पता है मैं मंदिर का बना रही हूँ तो साइड से इस तरह से मैं स्टर कर लूँगी हिला लूँगी आप चाहे तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं खुला आंच पे मीडियम फ्लेम पे लगभग 20 मिनट बाद जब दाल 80 परसेंट हो जाएगा 80 भाग हो जाएगा तो उसमें एक छोटी चम्मच कुटा हुआ अदरक और चार से पाँच चम्मच गुड़ डाल के इस तरह से साइड से थोड़ा सा हिला लूँगी यही है ना गुड़ इसका फ्लेवर आता है मीठा दाल में और दाल ऑलमोस्ट एट्टी नाइन्टी परसेंट हो गया है एक चौथाई छोटे चम्मच हींग में एक बड़ा चम्मच पानी डाल के घोल के इसमें डाल दिए हैं जब दाल आपको लगे कि पूरा हो गया गाढ़ा बनता है ये ज़्यादा पानी नहीं रहता है उसको उतार दें और फिर एक छोटी चम्मच जीरा और डेढ़ बड़ा चम्मच घी गर्म करके इस तरह से उसके ऊपर तड़का लगता है और फिर इसको हम छोड़ देंगे लगभग आधा घंटा के लिए और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको ये कितना गाढ़ा बनता है तो ये था दाल फिर बनाएंगे महुरा बेसिकली एक मिक्स वेज ही है इसका भी कंप्लीट वीडियो है बेसरा और महुरो में ये डिफरेंस है कि इसमें ना एक गरम मसाला का ब्लेंड डलता है सरसों नहीं डलता है और काला चना डलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा वीडियो है आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जैसे मैंने बोला क्योंकि थाली है पूरा सारा वीडियोस एक में डालूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ये भी ऐसे ही लटपटा बनता है और उतना ही स्वादिष्ट रहता है तो ये जो है मेरा सारा महाप्रसाद का अभड़ा थाली है तो पहले मैंने साधा अन्न बनाया है या स्टीम राइस बनाया है और हर रेसिपी में हर डिश में एक तुलसी का पत्ता डालेंगे तब तो वो श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है और फिर यहाँ पे मैं अदरक और हींग का खिचड़ी बनाई हूँ इसका भी डिस्क्रिप्शन रे, बॉक्स में लिंक दे दूँगी ये स्वीट पुलाव या कानिका है गुड़ वाला जो दाल हम बनाए है देखिए पूरा गाढ़ा होके बैठ गया है ऐसे ही बनता है इसके अलावा मैं यहाँ पे बनाई हूँ जो बेसरा और महुरो तो ये जो है ना कंप्लीट एक मैं पैकेज टाइप का बनाई हूँ तो ये बेसरा हुआ और फिर मैं यहाँ पे महूरा बनाई हूँ जो काला चना डाल के जो बनता है मिक्स्ड वेज वो है और फिर साग है ये मंदिर साइल का साग है साग में सब्जियाँ और ढेर सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल के बनता है और फिर ये राई है अम्बूला राई जो सूखा हुआ आम होता है ना उसमें सरसों का पेस्ट और गुड़ नारियल डाल के बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा लॉन्जी टाइप का बनता है ये है तो सारे आइटम्स हमारे रेडी हैं अब सर्व करने के लिए केले का पत्ता के ऊपर सारे आइटम्स को मैं सीक्वेंस वाइज सर्व करूँगी तो पहले यहाँ पे चावल सर्व की फिर अदरक और हींग का खिचड़ी होता है सूखा वाला चना दाल इसमें डलता है इसका भी रेसिपी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी सारे रेसिपीज़ का और ये जो गुड़ वाला मीठा चावल है थोड़े से दाल सर्व करूँगी देखिए दाल कितना गाढ़ा हो गया है ऐसे ही बनता है और उसके बाद यहाँ पे मिक्स वेज है सरसों वाला फ्लेवर का जो मिक्स वेज है फिर साग है देखिए एकदम लटपटा बनता है और ये मोहरा काला चना डाल के जो मिक्स वेज बनता है ये वो है और फिर मैंने भड़ा था, थाली में राई में सर्व की हूँ आम का खट्टा मीठा एक चटनी टाइप का बनता है सूखे हुए आम की गुठली का और थाली को कंप्लीट करने के लिए हरा मिर्च थोड़ा सा नमक साइड में और एक छोटे से नींबू का टुकड़ा और अब मेरे थाली को लास्टली एक छोटा सा पानी का ग्लास जो कि पूरा करेगा और ये है मेरा वर्ज़न ओभड़ा थाली इसका जो स्वाद आता है इसका जो भाव आता है और इसका जो डिवोशन है ना वो आपको सिर्फ पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के ओभड़ा जब आप वहाँ उस मिट्टी पे बैठ के खाएंगे तो उसका कुछ और ही फीलिंग होता है मैंने बस एक छोटा सा कोशिश किया है आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे हम घर में बना के श्री जगन्नाथ जी को प्रसाद लगा सकते हैं Uh, बहुत मैंने कोशिश किया है वीडियो में छोटी छोटी बातें बताने के लिए दाल वाला जो रेसिपी है वो मैंने फुल बताया है बाकी दोनों का रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है और पितृपक्ष का थाली बनाई थी उसमें भी एक दो रेसिपीज है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी तो ये जो होता है पूरा मंदिर का श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक रूप है छप्पन तरह का भोग बनता है छप्पन तरह का भोग लगता है पूरे दिन में अलग अलग पहर में तो जितना हो सका मुझसे जो मुझे लगा कि मैं आपको बता के आपको दिखा सकती हूँ वो मैंने बनाया छोटा सा कोशिश है मेरा तो अब समय है कमेंट ऑफ़ द डे का तो आज का जो कमेंट ऑफ़ द डे है वो अमृता महंती का वो लिखती है हेलो सो योर रेसिपीज़ आर सो परफेक्ट दैट आई ओनली प्रिफर रेफरिंग योर चैनल फॉर एनीथिंग आई वर्न अ कुक थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग अ सो वेरी अमेजिंग रेसिपीज ईच टाइम थैंक यू सो मच अमृता आपने इतना प्यारा कमेंट किया है थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट और ये जो वीडियो है ना आज का ये दिल का बहुत खास है रथ यात्रा के लिए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उम्मीद करती हूँ जो वीडियो मेरा है आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग